कैसे हैं आप लोग गाइस? कल की बारिश एंजॉय करी? हमने तो बिल्कुल एंजॉय नहीं करी, क्योंकि जिस टाइम हो रही थी वो मगरिब का टाइम था। बट कल की बारिश के बाद आज का दिन बड़ा तबाहकुन था, तबाहकुन गर्मी थी। अभी भी 5:15 हो रहे हैं तो 43 फीलिंग्स आ रही है, गर्मी इतनी शदीद है। और बाकी जो है भला गवर्नमेंट का, हमारी उन्होंने हर चीज़ पे इतनी महंगाई लेकर आ गए। पहले होता था बारिशों में जो है बारिश होती थी तो पकोड़े बनने हैं, तो ये होने, लेकिन आजकल जिस हिसाब से हालात हैं, मैंने तो अभी तक कोई भी स्टेटस ऐसे नहीं देखा, ना इंस्टाग्राम पे ना फेसबुक पे, ना भर जाते थे बारिशों के मौसम के स्टेटस सॉन्ग्स, और कोई पकोड़े बना रहा है, कोई कुछ एक्स वाई जेड। लेकिन इतनी महंगाई हो गई है तो मुझे तो नहीं लगता पकोड़े बना। बहुत दिल चाह रहा था मेरा, बट लाइट जा चुकी थी तो इसलिए मैंने भी नहीं बनाया। बट आज इतनी गर्मी है ना, तो सोच रहे हैं कि वाकई नहीं बनाया तो बेहतर था, और आज तो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मज़ीद आगे बारिशें हैं तो हो सकता है, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे पकोड़े और आपसे शेयर करेंगे बरसात के मौसम में पकोड़े। कोई फिल्मी थोड़ी हम लोग की लाइफ है कि बारिश होगी और हम लोग इन्जॉय करेंगे। मोस्टली तो ऐसे लोग भी होता है कि बारिश होती है तो हम लोग के लिए ज़हमत हो जाती है। हमने अपना एक ऐसा वक्त गुजारा है कि बारिश होती थी, हम दुआ करते थे अल्लाह पाक बस कर दे, क्योंकि हमारा पूरा घर पानी में डूब जाता था, और हम सारे बहन भाई और हमारे पेरेंट्स मिलके जो है हम लोग पानी निकालने की कोशिश करते थे, उसकी निकासी की कोशिश करते थे, और जब पानी निकल जाता था उसके बाद फिर हम लोग अपने सोने का इंतज़ाम करते थे। और अभी भी मोस्टली ऐसी जगह है तो अल्लाह पाक जो है जब भी बारिश बरसाए तो बस यही दुआ है कि रहमत वाली हो, किसी के लिए परेशानी का बायस ना। और बाकी और सुना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो है हमारे जो है कंटेंट में थोड़ी सी चेंजिंग है, बट जैसे कि आपको पता है हमारा नॉर्मली फैमिली व्लॉग है, डेली रूटीन है, तो आप देख लीजिए हमारी डेली रूटीन में क्या शामिल है। जो चल रहा है वही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, और एक कोशिश ये भी है कि नेगेटिव जो भी होता है वो चीज़ें ना दिखाएँ। और क्या पेपर आ गए, आया है जल्दी से सही हो जाए, नेक्स्ट मंथ शादी है और ईद भी है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, देखते हैं जुनेद क्या कर रहे हैं। नहीं यार, पता नहीं कोई आया होगा, उसने बाहर से यहाँ पे पानी की छालियाँ बांधी है, ये लोग मिस यूज़ करते हैं। और फिर मट्टी भी कल वो आंधी आई थी, गुटके वगैरह की छालियाँ खाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, हम जैसे लोगों को साफ करना पड़ता है। हमारे घर की कुछ पर्सन है, बोलना नहीं चाहिए, सीख जाएंगे सीख जाएंगे जुनेद जो है सफाई के मामले में ना बहुत चेंजिंग है। एक जुनेद को हम बोल सकते, जुनेद को क्या नॉर्मली हम लोग को भी होता है, हम जो है सफाई जब करते हैं लेडीज़ हजरा यानी जितनी भी खातन हैं वो जब घरों में सफाई वगैरह करती हैं तो थोड़ा सा भी कुछ कचरा नज़र आता है या कोई बच्चा रैपर फेंक देता है या हम पोछा लगाए हुए हैं उसमें कोई चलता हुआ आ जाए तो हमें भी जो है इरीटेट होते हैं, हम लोग भी गुस्सा आता है। सो जुनेद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की इस तरह यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सफाई करते हैं। आपको मैं लास्ट व्लॉग्स में भी देख चुकी हूँ, जुनेद की रूटीन्स में शामिल है। सो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नज़र आती है, कोई छालिया थूकता हुआ नज़र आ जाए इस तरह की चीज़, तो थोड़े जो है ना इरीटेट हो जाता है। हकीकत एक फितरी अमल है, इसे फितरी अमल कहते हैं। और बस यही है कि हम अपने आसपास की जगह को साफ रखेंगे तो आगे की हम सफाई के बारे में सोचेंगे ना। चलें मगरिब होती फिर मिलते हैं। और ये मैंने अपनी साड़ी निकाली थी ताकि स्टिच के लिए देनी है, तो उसके लिए मुझे साइज़ का चेक करना था कि एक्यूरेट है या नहीं। कल फ्राइडे है, फिर जुनेद के साथ जाके जो है स्टिच के लिए देने आऊँगी, तो इसलिए देख लीजिएगा। इस ये मैंने अपनी लास्ट जो अभी भाई की शादी में पहनी थी साड़ी वो निकाली है कि इसके हिसाब से सिलवाऊँगे, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ये तो स्टिच थी पहले से, कि साड़ी भी साइज़ के लिए देनी पड़ती है या नहीं। ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है और आई थिंक मुझे क्रेज़ है शायद साड़ियों का, सो बस वही चेक करना था, उसलिए निकाल रहा था सब कुछ। साड़ी निकाल ली है, चेक कर लिया है, एक्यूरेट साइज़ है। इंशाल्लाह कल जो है जुम्मे है, फ्राइडे है कल, और जाके जो है ये जुनेद के साथ स्टिच के लिए दे आएंगे अपनी साड़ी। और साड़ी बहुत प्यारी है और मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो डियर फ्रेंड्स, एक जनरली बात है कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, और फिर सोचा लगे हाथों जुनेद के जो सूट है 3-पीस वो भी ट्राई करवा दिया जाए उनको, ताकि जो भी उसमें भी डिफरेंस आए तो वो सेट हो जाए।
डियर गाइस, इस मैसेज के साथ मैं आज अपना व्लॉग एंड करूंगी कि खुश रहें, खुशियां बांटें, छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करें। जनरली जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं अगर एक आलू की दो आलू की कदलियाँ भी बनाती हूँ ना तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, खुश होती हूँ, बिकॉज मैंने कभी बनाई नहीं थी। हाँ, उस वक्त मुझे अपनी मम्मा बहुत याद आती हैं, बाबा भी याद आते हैं। मुझे पता है बाबा तो मेरी हमेशा तारीफ करते थे किसी भी काम की, बट मुझे मम्मा किस लिए याद आती है, मैं उनको अपने हाथ के खाने खिलाती कि मैं पता है कि मैंने खाना कैसे बनाया। जब तक वो हयात थी मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सकती थी, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी कुछ करने नहीं दिया। सो मैसेज यही है कि अगर कोई आपको या हमको अहमियत देना छोड़ दे तो आप हमें भी शिकायत करना छोड़ देना चाहिए, यानी आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी तैयार कर लें। क्योंकि हर वक्त दस्तियाब रहना, किसी के पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें करते रहना आपकी अहमियत घटाता है, आपकी वैल्यू गिराता है। और दूसरी चीज़, थिंक इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, थिंक अबाउट इट, कि मांगने से ना भीख तो मिल सकती है बट मोहब्बत और इज्जत भी। तो डियर गाइस, ये चीज़ छोड़ दें कि हमें कौन पूछ रहा है कौन नहीं। आप ज़िंदगी रहे, मैं बोलती हूँ ना, मैं अपने व्लॉग आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चल रही हूँ, आप लोग मुझे काइंडली मुझे कंटेंट बताया करें। लेकिन मेरी फैमिली के पर्सनल इश्यूज़ तो मैं, वो कभी भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इंटरटेन कर सकूँ आपको, मैं उसको सामने लेके नहीं आऊँ, कोशिश मेरी यही है। हाँ, बहुत मजबूर किया गया तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, और इन 4 सालों में मैंने यही चीज़ सीखी है कि हमें अगर शिकवा लगा रहेगा, ये सब लगा रहेगा, तो लोग और हमें कहते हैं ना, कमज़ोर को दबाने की कोशिश की जाती है। सो खामोशी तैयार कर ली जाए ना, वही सबसे भारी चीज़ है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सोचिएगा मेरी बातों के बारे में, कि थोड़ा पॉजिटिव हो जाती हूँ, लेकिन मैं आप लोग, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोग को जीना सिखाऊँ। इस फ्रस्ट्रेट माहौल में जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड ग्रुप्स में, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और काइंडली मुझे बताइएगा आपको मेरी थॉट्स कैसी लगती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर से एज़ यूजुअल, अल्लाह हाफ़िज़।